टू प्रूव वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, इसको ध्यान से देखना है, पहले देखना है उसके बाद लिखेंगे। U और V और S की तो सारी कहानी पता है, तो यहां से स्टार्ट होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है? dv बाय dt। अब प्रॉब्लम है इसमें, यहां पर आ रहा है dt और मुझे प्रूफ में टाइम नहीं चाहिए, तो मुझे dt को क्या करना पड़ेगा? इलिमिनेट। अब dt इलिमिनेट कैसे होता है? dt ऐसे इलिमिनेट होता है, हमने लास्ट टाइम भी या लास्ट टाइम से लास्ट टाइम एक चीज सीखी थी, अगर dt को dx में कन्वर्ट करना है या dx को dt में कन्वर्ट करना है, जैसे इसमें मैं चाहता हूं dt dx में कन्वर्ट हो, तो राइट साइड को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, ऐसे सिखाया था। और मैंने कहा था पेयर बना लो, ऐसे ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी? dv डिवाइडेड बाय dx, ये डिनोमिनेटर इधर आ गया और ये इधर ले आओ, इनटू dx डिवाइडेड बाय dt। अब dx बाय dt क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो मैंने अपनी अपना जो रिजल्ट है जो TT में चलता था वो किस में कन्वर्ट कर लिया? DX में। और मैं चाहता हूं DX में हो क्योंकि मुझे S निकालना है, टाइम नहीं चाहिए मुझे, तो यही एग्जैक्टली इसमें किया, एक्सेलरेशन dv by dt, राइट साइड को DX से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो इस dv के नीचे DX कर दिया, इस DX के नीचे ये dt कर दिया। DX by dt क्या है? v। तो यहां से DX को v dv एक तरफ किया और a dx एक तरफ किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिमिट्स लगाते हैं इसको इंटीग्रेट करके, वेलोसिटी इसमें चेंज हो रही है u से v, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की u है और फाइनल v है, और x की लिमिट अगेन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो जीरो से s है, तो v की इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, 1 dx की इंटीग्रेशन x, एक बार v की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2, और एक बार x की जगह अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, 2 एलसीएम लेके राइट साइड पे गया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 as, बाकी तो इंटीग्रेशन है। तो मेन स्टेप इसमें सिर्फ यही है कि आप एक्सेलरेशन लिखो, dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर ये उल्टे पेयर बनाओ, इसको v लिखो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने स्टेप्स लिखो। तो एक बार करके देखो इसे प्लीज़।